ऑयल एंड गैस, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील और पावर के कारोबार को करने वाली कंपनी आज सुर्खियों में है। इस कंपनी ने अपना स्टील का बिजनेस बेचने की तैयारी पूरी कर ली है। एक समय में स्टील इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ये कंपनी आखिर इस फैसले को लेने के लिए क्यों मजबूर हुई, ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। असल में दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड अपना स्टील बिजनेस बेचने वाली है। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली इस कंपनी ने 4 साल पहले इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड को खरीदा था, लेकिन अब वेदांता अपने कर्ज घटाने और मुख्य कारोबार पर फोकस करने के लिए स्टील बिजनेस को बेचने का फैसला कर रही है। अब जिस चीज को बेचने की तैयारी चल रही है उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। वेदांता ने साल 2018 में टाटा स्टील को पछाड़ कर इलेक्ट्रो स्टील का अधिग्रहण 5,320 करोड़ रुपए में किया था। दिसंबर 2018 में ही वेदांता ने इलेक्ट्रो स्टील में $4 अरब का निवेश भी किया था, जिसके बाद कंपनी की क्षमता सालाना 15 लाख टन से बढ़कर सालाना 70 लाख टन हो गई थी। अभी वेदांता ग्रुप के पास इलेक्ट्रो स्टील की 95.5% हिस्सेदारी है। वेदांता के तहत इलेक्ट्रो स्टील ने बोकारो और गोवा में एक विशाल विस्तार यानी एक्सपेंशन और बल्लारी कर्नाटक में ग्रीन फील्ड यूनिट शुरू किया था। अब इलेक्ट्रो स्टील को बेचने के लिए वेदांता ने किन किन स्टील कंपनियों से संपर्क साधा है ये भी जान लीजिए। वेदांता लिमिटेड ने अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, टाटा स्टील, JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के एक ग्रुप को इलेक्ट्रो स्टील को बेचने के लिए अप्रोच किया है। कई कंपनियों के टॉप अधिकारी वेदांता ग्रुप के अधिकारियों के साथ साइट विजिट भी कर चुके हैं, जिसमें अर्सल मित्तल के CEO आदित्य मित्तल का नाम भी शामिल है। अब वेदांता इलेक्ट्रो स्टील को क्यों बेचना चाह रही है ये भी जान लीजिए। वेदांता ग्रुप अब अपने कर्ज घटाने और अपने मुख्य कारोबार यानी माइनिंग और इंडस्ट्रियल बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। अभी वेदांता पर करीब 11.7 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसको वेदांता इलेक्ट्रो स्टील को बेच कर कम करना चाहती है। स्टील बिजनेस से बाहर निकलने के वेदांता के फैसले की एक वजह दुनिया पर मंडराती मंदी का खतरा भी माना जा रहा है। जाते जाते वेदांता के शेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। वेदांता का शेयर मंगलवार को 1.22% चढ़कर 318.60 रुपए पर क्लोज हुआ। पिछले 6 महीनों में वेदांता ने निवेशकों को 10.95% का रिटर्न दिया। वेदांता का मार्केट कैप 1.18 लाख करोड़ रुपए है और कंपनी ऑयल एंड गैस, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील और पावर के सेक्टर में कारोबार करती है।